बॉलीवुड स्टाइल फिल्म मेकिंग है, उसका उसका बिलीफ ये है कि ऑडियंस मूर्ख है, इसलिए उनको मूर्खता भरी चीजें दिखाओ। मेरे लिए फिल्म जो है वो कोई फैक्ट्री या कोई धंधा नहीं है, मैं तो आई एम सीकिंग ट्रूथ। तो हमको वो स्टोरी जो कोई नहीं बता सकता है उसको बनाने के लिए काम करते हैं। हिंदुस्तान में सत्य पे आधारित फिल्में देखने की आदत नहीं है लोगों को, तो लोगों का लगा कि अरे रियलिटी की फिल्में कौन देखेगा, कोई हीरो नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है, कोई स्टार नहीं है, यानी कहने को जैसे को मानते हैं लोग स्टार। Which topic? Delhi. I mean, see, I had decided to make a trilogy. Yes. So it was about what are the fundamental principles of democracy. So first film was Right to Truth. Second, Kashmir Tashkent Files was Right to Truth. Kashmir Files is Right to Justice. And this film is Right to Life. और फाइल्स के बीच की सिर्फ चीज़ बदली है, बाकी टाइटल ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या कोई एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी लेके चल रहे हैं इसमें? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई एक आमतौर पर होता ना कि वो लक फैक्टर नहीं, नहीं नहीं, मुझे अपनी फिल्म पे पूरा विश्वास है, मैं कोई एस्ट्रोलॉजिकल वगैरह नहीं मानता हूँ। ये एक ट्रिलॉजी है, तो ट्रिलॉजी की एक स्टाइल होती है, तो ये उसमें है। एंड सर, क्योंकि ये फिल्म इतनी हिट गई है एंड इसकी एक्टिंग के बारे में भी बात की है, बट व्हेन यू वर मेकिंग दिस फिल्म, डिड इट एवर अकर टू यू दैट यू वांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री मे बी? एक्चुअली हमने जब शुरू किया था हमें कुछ पता ही नहीं था क्या बनेगा, वो फिल्म बनेगी कि डॉक्यूमेंट्री बनेगी कि वेब सीरीज बनेगी या किताब लिखी जाएगी। धीरे धीरे जब हम रिसर्च करते गए, इंटरव्यू करते गए लोगों के, तो धीरे धीरे करते करते अल्टीमेटली हमें ऐसा लगा कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए और इसलिए फिल्म बनी। तीन से चार साल लग गए फिल्म को, मतलब चार साल तो इतना वक्त किस तरह से उन चीज़ों को जीते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता होगा यार, चार साल तक एक ही प्रोजेक्ट को लेकर बैठा हूँ, मतलब बढ़ ही नहीं पा रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आमतौर पे मेकर्स होते हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब डिलीवर करने के लिए बॉक्स ऑफिस पर, बट आप टाइम लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो किस तरह से उस टाइम गैप को और चीज़ों को मैनेज करते हैं, मतलब रिसर्च करना? वो नहीं, देखिए मैं, मेरे लिए फिल्म जो है वो कोई फैक्ट्री या कोई धंधा नहीं है, मैं तो आई एम सीकिंग ट्रूथ। तो हम तो वो स्टोरी जो कोई नहीं बता सकता है उसको बनाने के लिए काम करते हैं, तो ये सब रिसर्च बेस्ड हैं। लोगों को थीसिस लिखने में कितना टाइम लगता है? तीन से चार साल लगते हैं। पीएचडी करने में, तो ये सारी फिल्में पीएचडी हैं। ये कोई फिल्में देखे तो आधा रिसर्च उसको वहीं मिल जाएगा, बाद में जाके लोग अपना खुद रिसर्च कर सकते हैं। सो और जल्दबाजी वाली जो फिल्में वो फ्राइडे सैटरडे संडे को उतर भी जाती हैं। तो हमारी पहली ताशकंद फाइल्स 120 दिन चली थी। ये फिल्म आप जानते ही हैं क्या हो रहा है इसके साथ, अभी भी चली रही है और OTT पे तो आएगी इवेंचुअली, खैर। तो और आज से 50 साल 100 साल बाद भी अगर ये फिल्म देखेंगे तो उतनी ही रेलिवेंट रहेगी जितनी कोई भी हिस्ट्री की बुक हो सकती है। तो ना जैसे फिल्म जब स्टार्टिंग में लगी तो बहुत सारे सिनेमा हॉल्स ने उसको लगाया नहीं, मतलब स्टार्टिंग में इतना ह्यूज रिस्पांस नहीं मिला, कहीं जगह ऐसे यहाँ लोकली भी शायद एक स्क्रीन भी नहीं मिली, लेकिन अगले दिन जैसे रिस्पांस आया, ऑडियंस वापस जा रही है बॉक्स काउंटर से, तो उनको लगानी पड़ी, मतलब ह्यूज रिस्पॉन्स आया, मतलब 20-30 करोड़ की फिल्म बनी है तो 200 करोड़ से ऊपर कर रखी है। तो क्या एक्सपेक्टेड था कि हाँ ये सच में ऐसे एक रेवोल्यूशन या एक तरह के हाइप लेके आएगी? मुझे तो पता था, मुझे विश्वास था, लेकिन बाकियों को विश्वास नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान में सत्य पे आधारित फिल्में देखने की आदत नहीं है लोगों को, तो लोगों का लगा कि अरे रियलिटी की फिल्में कौन देखेगा, कोई हीरो नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है, कोई स्टार नहीं है, यानी कहने को जैसे जिसको मानते हैं लोग स्टार। तो अब और अक्सर सर फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स पे इल्ज़ाम लगता है कि जब ये चीज़ें होती है तब उसके बारे में बात नहीं की जाती, लाइक स्टैंड नहीं लिया जाता, इवन फिल्म मेकर्स डोंट रिस्पॉन्ड, लाइक ट्वीट भी नहीं करते जब ये चीज़ें हो रही होती है, इवन अभी भी राइट्स हो रहे हैं। तो व्हाट डू यू सी कि डू वी ऑलवेज हैव टू वेट अनदर गवर्नमेंट टू टर्न टू मेक दीज फिल्म्स? इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, ये बहुत ही एक नासमझी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट्स डिक्टेट करती हैं। मैं तो पहले भी ऐसी बेबाक बोलता था, लिखता था, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम तो 2010 की बनी हुई फिल्म है,
उसका जो सेंसर CBFC सर्टिफिकेट है, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तो वो कैसे बनी और सब, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बहाने मारते हैं, क्या जो लेजी लोग होते हैं वो इस तरह के बहाने मारते रहते हैं, सरकारों से कोई लेना देना नहीं। आपको क्या लगता है कल को अगर ये गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या मैं इस तरह की फिल्में नहीं बनाऊंगा क्या? तो ऐसा तो नहीं है, सब अपने हिसाब से करते ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर लेकिन हाँ, चूँकि फ़र्क ये है कि लोगों को ये देखिए, जो टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल फिल्म मेकिंग है वो उसका बिलीफ ये है कि ऑडियंस मूर्ख है, इसलिए उनको मूर्खता भरी चीज़ें दिखाओ। उनका विश्वास है कि ऑडियंस इंटेलिजेंट चीज़ें नहीं समझेगी। हमारी जो स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है वो ये है कि ऑडियंस हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए इनको खूब रिसर्च करके और इंटेलिजेंट चीज़ें बताओ। ये एक बेसिक फ़र्क है। जिस तरह की फिल्में आप बनाते हैं तो एक ऑडियंस का एक दायरा होता है, लिमिटेड सेट ऑफ ऑडियंस लगता है, कई बार उनके लिए बनाई गई है, तो कई बार ऑडियंस को कैटर करके भी बनाई जाती है। किस तरह की फिल्में कोशिश रहती है कि हाँ एक वाइडर ऑडियंस के लिए बनानी है, या मेरे को जिस तरह? हम ऐसा सोचते नहीं, हमने अगर सोचना होता तो फिर हम तो गाने भी डालते, फिर हीरो भी लेते, हीरोइन भी लेते, वो सब करते ना दुनिया भर का, पब्लिसिटी भी करते। हमने तो मार्केटिंग भी नहीं की, एक पोस्टर नहीं, एक होर्डिंग नहीं, कहीं रेडियो में नहीं, कहीं नहीं, हम तो जीरो मार्केटिंग बजट पर काम करते हैं, और ऐसे ही अगली फिल्म भी बनाएंगे। तो वो ये है कि अगर सत्य में दम है तो लोग अपने आप देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर, अभी देहरादून लिटरेचर फेस्ट में यू कैंसिल इट बिकॉज़ ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, सो नाउ यू आर गोइंग टू मेक दिल्ली फाइनल्स, है ना? आपको जेड प्लस सिक्योरिटी भी मिली है, सो आर यू रेडी टू टेक ऑन दिस चैलेंज एज वेल, कि कैमरा पे अगर आपको काम करना है तो यू हैव टू गो इन बिटवीन द? अब देखेंगे अब क्या करना है उसका मुझे पता नहीं है, तो लेकिन दुख की बात है, इसको तो मीडिया वालों को लिखना चाहिए इसके बारे में कि कितने दुख की बात है ये, कि आप अगर एक देश के इतिहास के ऊपर अगर कोई फिल्म बनाते हैं, इंसान के दर्द के ऊपर फिल्म बनाते हैं, अगर आप इंसानियत और हैवानियत के ऊपर फिल्म बनाते हैं, तो उसकी सज़ा आपको ये है कि आपकी आज़ादी छीन ली जाती है, तो ये तो देश का दुर्भाग्य है ना। सिक्योरिटी को कितना इंजॉय कर रहे हैं, मतलब एक होता ना जेल है, जेल नहीं, जैसे मैं बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है कोई मेरे आसपास रहे, मुझे अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं मुझे पसंद नहीं आता है कि लोग फोटो खिंचा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, मिल रहे हैं मुझे, आई डोंट लाइक ऑल दैट। मुझे 24 घंटे काम करने में मज़ा आता है, आप लोगों से बात करने में मज़ा आता है, काम से रिलेटेड कुछ भी हो मुझे अच्छा लगता है, मुझे स्पीचेस देना अच्छा लगता है, लोगों के बीच जाना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये अननेसेसरी अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं है। बट आफ्टर कश्मीर फाइल्स डेफिनेटली यू हैव गॉट मोर बिजी, सो हाउ यू कीपिंग अप विद दैट, बिकॉज़ यू बैलेंस कैसे बना रहे हो योर इंस्टाग्राम? अभी कोई बैलेंस नहीं, अभी मैं 24 घंटे काम ही कर रहा हूं, तो बिल्कुल हालत खराब है मेरी, बहुत यानी बदन टूट गया है मेरा एकदम पूरी तरह से, लेकिन लगा हूं इसलिए क्योंकि हमारी फिल्म देखिए, अगर ये जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी बात उतना बेटर है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और पल्लवी जी को इनवाइट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, तो 24 घंटे हम भाग रहे हैं अभी, एटलीस्ट जून एंड तक तो सोने का भी टाइम नहीं है। जी इसराइल फिल्म जाना एक बहुत बड़ी विक्ट्री है इस फिल्म की, इसलिए क्योंकि इसराइल में हिंदी फिल्में कोई देखता नहीं है, जाती नहीं है, और वहाँ पब्लिक ने डिमांड की है इस फिल्म की, ये एक अपने आप में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। तर कोई इरादा पॉलिटिक्स में आने का? नहीं, जीरो। एंड अगली बार जैसे पल्लवी मैम को हमने एक्टिंग करते देखा है कश्मीर फाइल्स में, आप वुड यू बी एक्टिंग? बिल्कुल, आप बताइए, आप करेंगी, अपन साथ में करते हैं। अरे शिकारा बनी थी विनोद चोपड़ा की, तो उसके आपसे भी बात करनी है, अभी कर लो, दो दो मिनट करने दो, मैं एक मिनट वॉशरूम होके आता हूँ, शिकारा बनी थी तो उसको इतना अच्छा, शिकारा छोड़ो ना, अब शिकारा हो गया ना।